गुड इवनिंग। देखिए आप लोग की डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की क्लास कई दिन से नहीं हो रही थी, आप लोग बहुत परेशान थे। पिछली बार ही यानी कि जो आपकी पहले परीक्षा हुई थी तब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। अब तक लगभग 2 से 2500 जो क्लास हुई उसी में कुछ क्लास ये मिल गई हैं एक में, जो कि अभी निकाल करके अलग किया जा रहा है। कुछ सर करते हैं, कुछ हमने भी किया है। जैसे अलग हो जाएगी आपको इकट्ठा सब भेज दिया जाएगा, लेकिन अब आपको एक क्लास सेकंड सेमेस्टर की हर दिन नई मिलेगी, और जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि हमें कोर्स पूरा करना है, जैसा कि मई जून में आपका एग्जाम है, तो आप बिल्कुल हैरान ना हो। जो आप लोगों के अक्सर सवाल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम पहले लेके चलेंगे। जैसे आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ नया करने वाले हैं। जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे 18 का 12 का एलसीएम या फिर 22 का और 18 का एलसीएम, ये कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह का आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम, अब आप लोग सोचते हैं ये कैसे होगा, ये तो बड़ा अजीब सा नया सा लगता है। तो ये आपके परीक्षा में आता है, डीएलएड में भी, कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसे संबंधित सवाल आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ये कैसे इसको करते हैं और कैसे समझते हैं। एलसीएम, HCF या GCF, GCF या HCF का मतलब एक ही होता है। HCF, LCM और GCF, पहले तीनों का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं। जैसे LCM को बोलते हैं लीस्ट और आगे फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन, M से क्या होगा, फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल। उसी तरह से HCF होता है, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। HCF मतलब हाईएस्ट, स्पेलिंग क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टर होता है मतलब जो गुणनखंड करते हैं। इसी तरह से GCF जो होता है इसका भी मतलब एक होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चाहे तो ग्रेटेस्ट बोले या हाईएस्ट बोले, मतलब एक ही होता है। तो कुछ लोगों को अगर कहीं GCF पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये GCF क्या होता है, ये तो मैंने सुना ही नहीं। तो GCF मतलब होता है मासा, यानी कि HCF, इसे लिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HIGHEST होगा हाईएस्ट। अब देखिए कैसे LCM होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में समझना है, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उससे परिचय होना चाहिए, बाकी लगाने को नियम तरीका तो सब लोग जानते हैं। जैसे 18 है और 12 है, HCF वो संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों दी गई संख्याओं से कट जाए, वो ही होता है HCF। जैसे अगर देखें तो 12 से कौन सी संख्या कटेगी, 12 से देखिए 12 कट जाएगा, कटेगा, और 12 से और कौन सी संख्या कटेगी, 36 कटेगा, 24 भी कटेगा, लेकिन 18 से ना तो 12 ही कटेगा ना तो 24 ही कटेगा। इसलिए ना हम 12 लेंगे ना 24 लेंगे, वो संख्या लेंगे छोटी से छोटी जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो इन दोनों से कट जाए मतलब वो होगी 18। पहला नंबर तो 18 होगी, लेकिन 18 भी नहीं होगी क्योंकि 18 जो है 12 से नहीं कटेगी, 24 भी नहीं होगी, यानी 36 से शुरू होगा। हाँ, 36 जो है ये इन दोनों से कट जाएगी। आगे कौन सी संख्या हो सकती है, 54 कटेगा दोनों से, नहीं कटेगा, 72 दोनों से कट जाएगा, है ना। अगली संख्या इसमें हो सकती है जो दोनों से कटेगी, वो कौन सी होगी, 108, ये दोनों से कट जाएगी। मतलब वो हमें इसमें फैक्टर निकालना होता है, वो मल्टीपल निकालना होता है, ये मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल जो इन दोनों से कट जाए। अभी आगे जाएंगे तो ये 4 6 24, 4 3 12 तो 14, 144 भी होगा, ये भी कटेगी, लेकिन इनमें से उत्तर क्या होगा हमें ये देखना होता है। ये भी है एलसीएम, ये भी है, ये भी है, ये भी सब है एलसीएम नहीं, सॉरी, मतलब इनका फैक्टर ये मल्टीपल है, लेकिन एलसीएम में 36 को ही क्यों लिखा जाता है, ये 44 72 ये सब क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या लिया जाता है। जैसे जो दोनों से कटेगी
उनमें सबसे छोटी कौन है? 36 है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से कट जाए, है कोई नहीं है। बाकी कटने को तो 72 भी कटेगी दोनों से, लेकिन 72 से छोटा 36 है, इसलिए 72 नहीं लेंगे, 108 भी नहीं लेंगे, 36 लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल से समझने का तरीका था कि एलसीएम होता क्या है। बाकी जो नियम होता है वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। इस तरह से जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कहा जाए 6 और 8 का एलसीएम। अब हमें वो संख्या लेना है जो 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, तो कौन सी होगी? 24। 24 से छोटी कोई संख्या है जो दोनों से कट जाए? जैसे 8 दूना 16, लेकिन 16 6 से नहीं कटेगा, 24 है ना, 24 कट सकता है। और 36 कटेगा दोनों से? नहीं कटेगा, 48 दोनों से कट जाएगा, है ना। 72 भी कट जाएगा दोनों से, 6 से और 8 से भी। क्यों? 36 होता है सर। किस में? 48 में नहीं, वो 6 से जो कट रहा है, 36 तो 6 से 36 हाँ होता है, लेकिन 36 जो है वो 8 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। ये कट जाएगा क्योंकि 6 4 24 होता है, 8 3 24 होता है, ये भी कट जाएगा, 8 6 48 होता है, और 6 8 48 होता है, ये भी कट जाएगा। कितना आएगा? 6 कम 6 6 दूना 12 12 6 72 होता है, और ये 9 8 72, मतलब ये तीनों संख्या इन दोनों से कट जाएंगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 24। क्यों आएगा? क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटा होता है उसी को लिया जाता है। ठीक है, आगे चलें। देखिए ये अब आप लोग समझ लिए होंगे, एक एग्जांपल इसमें हम छोटा सा और समझाएंगे जिससे किसी को दिक्कत ना हो। जैसे कि 6 और 12 ले लें, तो अब वो संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए, कौन सी होगी? 12। देखिए 12 जो है ये दोनों से मतलब कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। इसके अलावा 24 भी दोनों से कटेगी, 36 भी दोनों से कटेगी, लेकिन इसका उत्तर केवल 12 होगा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या लेना होता है एलसीएम में, यही होता है एलसीएम। लेकिन ये कोई हल करने का तरीका नहीं है। हल करने का तरीका देखिए, गुणनखंड विधि होता है एक, और एक होता है भाग, वो मतलब जो भाग विधि करते हैं। तो पहले हम इसमें देखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हैं और लिखने के बाद उनका फैक्टर निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड। तो पहले हम इधर वाले हिस्से की बात करेंगे, जब इसको समझ जाएंगे तो फिर इसको कर पाएंगे, नहीं तो अगर इसको नहीं जानेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए पहले इसको कैसे करेंगे, 12 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 3 1 3, ये तो आता है ना, आता है कि नहीं? हाँ, तो ये जो आया हुआ है ये गुणनखंड, इसके सामने लिख लेते हैं 2 × 2 × 3। इसी तरह से आप 18 का कर लेंगे, तो 2 9 18, 2 3 6 36 18, इतना समझ में आया? अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद खुद से लिखिएगा, हम आपको लिखने के लिए टाइम देंगे, सभी लोग लिख लीजिएगा। तो ये हो गया गुणनखंड। अब एलसीएम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल, जो दोनों में कॉमन है, कौन कौन है? दो दोनों में है, तीन भी है दोनों में, और कोई है नहीं है, तो इन कॉमन में से केवल एक गिनती नीचे लिखते हैं और इसमें से भी एक लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं है उन सब को उतार लेते हैं, मतलब पहले तो जो कॉमन है उनको लिखते हैं, फिर जैसे ये अकेला है, नहीं कॉमन है, इसको भी लिख लिए, ये छूट रहा था इसको भी लिख लिए, किसी को छोड़ते नहीं, सबको लिख लेते हैं। गुणा कर लेंगे, 2 3 6 2 12 3 36, ये इस तरह से 36 जो है उत्तर हो गया। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका गुणनखंड विधि से जो लोग करते हैं, समझ में आया? अगर ये हो गया तो इसी विधि पर हम इसको लेके चलेंगे भाग विधि से। अगर आपको देखना है तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे, और आप लोगों को अभी हम बाद में दिखा देंगे भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, ये 12 और 18 दोनों को एक में मिला के काटते हैं, इसको जानते होंगे ना, ऐसे भी एलसीएम किया जाता है। तो इसी तरह का अब हम लोग इसको करेंगे, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो इसमें गुणनखंड करने की होती है कि ये गुणनखंड कैसे होता है और ये गुणनखंड होता क्या है। देखिए पहले ये जान लीजिए कि यक्स यक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप बताइए कितना?
आप बताइए। ना तो एक्स आएगा ना टू एक्स आएगा। देखिए सबसे पहले इसको करने से पहले एक स्टेप और पीछे चलते हैं। अब आप बताइए इसकी घात क्या है? नहीं पता। अच्छा यहाँ पर मैंने तीन लिख दिया, अब इसकी घात क्या है? तीन है ना, इसकी घात तीन है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो इसमें कुछ घात नहीं लग रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। यहाँ पे घात एक है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे एक माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एलसीएम हो गया जो आपने देखा गिनती का, यानी कि 12 18 यानी चर पद का एलसीएम अब हम लोग देखेंगे। ये अचर पद का हो चुका है। आप सभी को एक बार फिर से समझना चाहिए कि चर और अचर पद किसे कहते हैं। आप लोगों ने घात वाला देख लिया, जैसे एक्स का गुणा अगर एक्स में करते हैं तो इसका मान क्या होता है, ये घात एक मानते हैं, इसको एक मानते हैं, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं और फाइनल में एक्स का स्क्वायर हो जाता है ना। एक और बताइए, जैसे एक्स का स्क्वायर है इंटू एक्स है, इसका मान कितना आएगा? आप बताइए। 3x³ आएगा, क्यूब मतलब घात 3। तो ये सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं। इसी तरह से इसमें थोड़ा सा और भी समझ लें, एकदम छोटा सा टॉपिक, वो क्या है कि जैसे यक्स का घात 3 लिखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यक्स गुड़ा यक्स गुड़ा यक्स ये 3 बार रहा होगा तभी घात 3 लगा है। समझ में आया ना, क्योंकि एक घात एक और एक जुड़ता है ये, तो 3 घात इसलिए होता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम इसका गुणनखंड करेंगे, जैसे इधर 18 का गुणनखंड किए हुए हैं। इसको करने के पहले हम एक दूसरे संख्या का एलसीएम निकालेंगे चर पद का। देखिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं, इसे वेरिएबल बोलते हैं। जो ए से लेकर के जेड तक के लेटर होते हैं वो सभी चर या वेरिएबल कहलाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर बी सी डी कुछ भी है। अचर पद जो होते हैं 1 से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी अचर पद या कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। चर अचर कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, आपके बहुत ही काम का है। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, आप देखेंगे इसका कैसे गुणनखंड करते हैं और कैसे समझते हैं। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे 12 और 18 का एलसीएम ले लिया, अब आगे कैसे करेंगे उसको देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये है एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का 3, मतलब इंटू नहीं कामा लगा लीजिए, इसका एलसीएम निकालना है। यानी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का एलसीएम क्या होगा, इसको समझ लीजिए पहले, फिर हम लोग आपको यहाँ हल करके दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x प्लस 2, ये समीकरण का एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी सीखेंगे, लेकिन पहले ये छोटे छोटे टॉपिक। तो सवाल लिखिए आप लोग जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। पहला पद यहाँ निकाल लेंगे, जैसे भी है वैसे उतार लेंगे, x का स्क्वायर इसके आगे बराबर लगा देंगे। जैसे भाई सिंपल में यहाँ पर हमने 12 18 में 12 पहले लिख लिया था, बराबर लगा दिया था, वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लिया, बराबर लगा दिया। फिर हमने यहाँ 18 लिखा था, आगे बराबर कर दिया था, वैसे यहाँ दूसरा पद एक्स क्यूब लिखेंगे, आगे बराबर कर देंगे। अब इसका विस्तार कर लेंगे। दो घात का मतलब होता है कि ये पद इसमें दो बार शामिल है, दो बार शामिल का मतलब कि एक्स गुणा एक्स है, ठीक। और ये 3 घात का मतलब इसमें ये पद 3 बार शामिल है। आया समझ में? ये एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे आप गिनती का निकालते हैं यानी 18-20 का, वैसे आप एक्स वाई का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जिससे कि अच्छा दिखे, बिल्कुल फुल HD में रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो दोनों में मिल रहा था उसको घेरा था, है ना, वैसे इसमें भी करेंगे, जो दोनों में मिल रहा है उसको घेर दिया। इसमें एक एक्स और भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, उसको भी घेर दिया। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। देखिए समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग लिख के कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों मैंने जो जो मिल रहा था घेर दिया ना, अब इस जोड़े से एक एक्स निकाल लीजिए इंटू इस जोड़े से एक एक्स निकाल लीजिए, फिर क्या करते हैं एलसीएम में,
हाँ जो बचा रहता है, जैसे हमने इसमें से एक निकाला था, इसमें से एक निकाला था, फिर ये दो और तीन छूट रहा था, इस दो तीन को भी यहाँ लिख लिया था, कोई भी छोड़ा नहीं था। वैसे यहाँ जो एक्स छूट रहा है इसको भी साथ में ले लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह से अब गुणा हो जाएगा ये। तो गुणा करना आपने पहले ही सीख लिया है, एक्स का क्यूब आएगा, है ना। तो अगर ये ना सीखे होते गुणा कैसे करते हैं तो ये दिक्कत होती कैसे आया। यानी अब आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का एलसीएम कितना होगा, एक्स क्यूब होगा। इस तरह से आप ए बी सी का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, इसको आप लोग समझ लें अच्छे से तो खुद से करिए, देख के मत उतारिए, समझ में आ गया ना। अब इसको करिए अपने से, सवाल देख के नहीं छापना है, नहीं देख देख के लिख लेंगे कोई मतलब नहीं होगा, समझ लेंगे तो खुद से लगाइए समझ के। अब दूसरा सवाल करिएगा, उसको लगा लीजिए, सब समझ लीजिए, फिर घर से करके लेके आइएगा। अगला उसी तरह का, जैसे x की पावर 5 है और x की पावर 2 है, अब इसमें थोड़ा सा अंतर है बस। इसका एलसीएम भी वैसे ही सिंपल में करेंगे, पहला पद लिखेंगे, इसका विस्तार कर देंगे, मतलब कि एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये x इंटू x कितना बार होगा, कितना बार, पांच बार, क्योंकि घात 5 है, 5 बार। तो ये x x x हो जाएगा 5 बार। वैसे दूसरा वाला भी उतार लेंगे, ये कितना बार, दो बार। जो दोनों में मिल रहा है उसको घेर दीजिए, एक x इसमें भी है इसमें भी है, इसका एक जोड़ा इसमें है तो ये इसमें भी है, बाकी अब इसमें तो तीन बच रहे हैं लेकिन इनके पास कोई नहीं, सब खत्म हो गए। तो अब जो दोनों में मिल रहा है इस जोड़े से एक x निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए एलसीएम इक्वल, एक और मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे। अब जो तीनों नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिख लेंगे, छोड़ेंगे किसी एक को भी नहीं। देखिए तीनों नहीं मिलने वाले थे, ये दोनों मिलने वाले थे। इस तरह से इसका एलसीएम जो है एक्स घाते 5 हो जाएगा। आपने शुरू शुरू में सीखा था एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो गिनती होती है जो इन दोनों से पूरा पूरा कट जाए। अब हम आपको दिखाते हैं ये कैसे सही है कि गलत है। अगर ये सही होगा तो ये कट जाएगा, अगर नहीं सही होगा तो नहीं कटेगा। जैसे आप लोग 6 में भाग कर देते हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6 होता है, वैसे इसमें भी भाग होता है और वो ऐसे होता है। x घाते 5 में भाग करेंगे x घाते 5 से। अब इसमें कुछ ऐसा गुणा करिए कितना आ जाए, मतलब वही लाना है सेम टू सेम, तो एक बार जाएगा, है ना। ये देखिए कट गया। अब बात आती है दूसरे की, तो x की घाते 5 को काटना है x का स्क्वायर से। अब ये कैसे जाएगा, कितनी बार, 2 बार ले जाएंगे या 5 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसमें हम 2 बार ले जाएंगे तो x स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो ये 2x की स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 5 गुणा x का स्क्वायर करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये करना है, घात 5 लाना है, मतलब घात में वृद्धि होनी चाहिए। अगर गिनती से गुणा करेंगे इसमें तो बगल में बढ़ेगा गुणांक में, घात में वृद्धि नहीं होगी, हमें उसके बराबर घात लाना है। तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा करें कि घात बढ़ जाए, और घात कब बढ़ती है, जब उसी के समान पद से गुणा करते हैं तो घात बढ़ती है ना। यानी कि x में किससे गुणा कर दें, x स्क्वायर में, कि x की घाते 5 आ जाए। अब इसको सोचिए, x स्क्वायर में किससे गुणा करें कि x की घात 5 हो जाए, किससे करें, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा। देखिए घात कब बढ़ती है, जब किससे, 3 से नहीं, x की घात 3 से, x की घात 3 से करेंगे तो अगर नीचे x रहेगा तभी जुड़ेगा उसमें, अगर y की घात 3 से कर देंगे तो नहीं जुड़ेगा, फिर वो अलग हो जाएगा। यानी x की घात 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो हम यहाँ कहाँ, यहाँ लिखेंगे x घात 3, ठीक। अब ये हो जाएगा x घात 5, और ये घटा लेंगे, हो गया ख़त्म। यानी कि हमारा जो एलसीएम था वो सही था, अगर ना सही होता तो इन दोनों से काटने पर ये कटता नहीं, मतलब काटने के बाद देखिए यहाँ 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। एलसीएम कितना आया था इसका, x की 5 ना, इसका मतलब ये ठीक था। ये तो छोटे छोटे हो गए। अब आपके एग्जाम में जो आते हैं अक्सर आप लोग परेशान होते हैं, वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, और बड़े कैसे होते हैं, जैसे कि देखिए जो लोग पूरी क्लास देखेंगे उनको पूरा समझ में आएगा।
और जो थोड़ा सा भाग भाग के देखेंगे तो उनको ऐसे समझ में भी आएगा। अब यक्ष और ये, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, ये अक्सर एग्जाम में आता है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। कॉम्पिटिशन में सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, का एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर पहला होता है एक्स माइनस टू, दूसरा एक्स प्लस टू, तीसरा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और चौथा होता है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, सवाल नंबर मानते हैं ये पांचवा है, कुछ भी मान लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसे टिक करना होता है एग्जाम में या एक को चुनना होता है। ऑप्शन नंबर बताइए ए बी सी डी, कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, जो भी होगा देखिए अभी सामने ही आएगा। करेंगे कैसे, सबसे पहले इधर देखिए, इसमें से जो पद दिए उनको लिख लेंगे एक्स माइनस टू, इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी करना संभव नहीं है। दूसरा वाला पद उतारेंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यक्स धन दो और यक्स धन दो, है ना, लिख सकते हैं ना। एलसीएम होता क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर जो नहीं कॉमन होता उसको लिख लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो सभी को गुणा कर लेंगे आपस में, है ना भाई, अगर कोई कॉमन नहीं तो सभी को गुणा कर लेंगे ना। तो ये काम समझ में आया होगा, अभी एक सवाल और देंगे वो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसका गुणा हो जाएगा x प्लस टू, इसका गुणा हो जाएगा, और ये x प्लस टू इसका गुणा हो जाएगा, कुल मिलाकर के इन तीनों सब का एक में गुणा हो जाएगा, वो एलसीएम होगा, और फाइनल में आपका क्या आएगा x माइनस टू और ये x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। x माइनस टू इंटू x प्लस टू का होल स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम आएगा। इसको कर लेंगे ना, अच्छे से समझ लीजिए, नोट मत करिए, इसको करके लाइएगा, बाद में दे देंगे, अगर नहीं आएगा तो आप लोग को फिर से बता देंगे। समझ गए ना, याद रहना चाहिए कैसे हुआ था ये समझना है, कॉपी में नोट करके रख लेंगे तो कोई मतलब नहीं। इसी में थोड़ा सा अगर बदलाव कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा ये बदलाव होना है कि आपके लिए आसान हो जाए, यहाँ पे अगर माइनस हो जाए तब। अब इसका एलसीएम क्या होगा, ये सवाल नंबर आप लोग छठा कर लीजिए चाहे तो, इसमें से यही ऑप्शन सही होगा, जो अभी पांचवा देखा था उसमें नॉन ऑफ दिस सही था क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था ना। इसमें भी ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस टू लिख लेंगे, इसका गुणनखंड होगा नहीं माइनस टू का, दूसरा वाला लिखेंगे एक्स माइनस टू, इसका होल स्क्वायर, ये घात दुई लगा है इसका मतलब इसको हम दुई बार लिख सकते हैं, है ना। एलसीएम होता है जो दोनों में कॉमन है, इसमें देखिए दोनों कॉमन है तो x माइनस टू लिख लिया, और फिर ये जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेंगे इस तरह से, ये a माइनस बी मतलब एक प्रकार से दोनों एक ही पद है, तो अगर पाँच गुणे पाँच है तो पाँच की घात दो लिख सकते हैं ना, इसका मतलब हम इसकी घात दुई लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा एलसीएम x माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों में से ये इतना उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है, नॉन ऑफ दीज सही होगा, क्योंकि ये सी भी नहीं सही होगा, इसमें प्लस है, ये भी नहीं सही होगा क्योंकि इसमें घात नहीं लगी है। ये कुछ छोटे टॉपिक थे, इसके अलावा कुछ हम आपको और भी बड़े टॉपिक के क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि देखिए एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक सवाल है, एक्स माइनस टू नोट कर लीजिए आप लोग भी जल्दी जल्दी से, एक सवाल लिखिए एक्स माइनस टू, x माइनस फोर ये x माइनस टू और x माइनस फोर या फिर x स्क्वायर माइनस फोर, हाँ ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, x माइनस टू x स्क्वायर माइनस फोर का एलसीएम क्या आएगा। इसमें अगर आप लोग देखें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कोई फार्मूला इसमें हम रख सकते हैं, और वो कौन सा फार्मूला होगा, आपकी डीएलएड की क्लास जो भी सेकंड सेमेस्टर में पीछे जा रही है आप लोग को दिक्कत है, ये सबसे बड़ी क्लास होगी, अब एक एक दो दो घंटे की क्लास होगी, आपका लगभग टॉपिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा, आज से आप लोग परेशान ना हो। इसमें भी ऐसे गुणनखंड करेंगे आप लोग, इसको करिए अब क्योंकि समझ चुके हैं, लिखिए अब, देखिए मत लिखिए, हाँ इधर देखिए थोड़ा सा, ये जैसे
चार है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस दो का होल स्क्वायर हो सकता है ना, यानी फाइनल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। चाहे तो आप प्लस वाला पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से ये हो जाएगा x माइनस दो और x प्लस दो, है ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बोलिए। नहीं आया, देखिए देखिए, x स्क्वायर माइनस फोर था ना, तो फोर को हम टू का पावर टू लिख सकते हैं, क्योंकि दो दूना चार होता है। तो हमने क्यों लिखा है, इसकी घात ऑलरेडी दो लगी थी, उसको मैंने वैसे लिख दिया। अब इसमें कोई फार्मूला लग सकता है, इसको हमें किसी तरह से तोड़ना है, तो हम इसको दो की घात दो लिख सकते हैं बिना किसी नियम का उल्लंघन करे ना, तो दो की घात दो लिख दिया। अब ये फार्मूला आपको पता होगा, ये बन गया। और ये फार्मूला बन गया कैसे, ये सूत्र होता है, इसको आपको याद करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ए की जगह पर एक्स मान लिया, बी की जगह पर दो मान लिया, तो ए की जगह पर एक्स रख दिया और बी की जगह पर दो रख दिया, ए की जगह पर एक्स रख दिया, बी की जगह पर दो रख दिया, तो कुल मिला करके इसके इतने के बराबर ये इतना आ गया ना। यानी कि यहाँ से हम ये सब मिटा दें जो भी इसमें लिखे अलग से, तो आप कह सकते हैं कि हम इसको इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं, उसको आप लोग पीछे करके वीडियो को लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। ये इसका गुणनखंड होगा वास्तव में। माइनस माइनस कौन सा, ये ना यहाँ पर कहीं गुणा नहीं किया गया। इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, ठीक है, तो ये इतने के बराबर यहाँ फार्मूला है, यहाँ कुछ माइनस प्लस नहीं हुआ है। इस तरह से यक्स की जगह पर हर जगह क्या रखेंगे, ए की जगह पर यक्स और बी की जगह पर ये दो, ठीक, तो ये हो गया। अब अगर इसकी एलसीएम की बात करें तो देखेंगे जो दोनों में कॉमन है, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा, क्योंकि ये एडवांस मैथ में आता है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दोनों में ये कॉमन है, मतलब एक समान है ना सब कुछ। अब यहाँ कहें कि ब्रेकट है, वहाँ नहीं है, यहाँ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब एक ही हुआ। तो ये दोनों में कॉमन है। अब जो नहीं कॉमन है वो भी लिख लेते हैं, वो कौन सा है, एक्स प्लस दो, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एलसीएम हो गया, लेकिन इसको और थोड़ा सा फार्ट में आप कर सकते हैं, वो क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस दो का होल स्क्वायर, या फिर इसे एक लाइन और बढ़ा देंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। यानी फाइनल में आंसर कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यानी इन दोनों में जो एलसीएम होगा ये नंबर होगा। सेम टू सेम वैसे होता है जैसे अभी आप 6 और 12 का एलसीएम निकालें तो 12 आता है ना, यानी जो बड़ी संख्या होती है अक्सर अगर एक समान है तो वही उत्तर होती है ना, तो वैसे जैसे ये 6 और 12 में 12 आता है, वैसे ये x माइनस टू और x स्क्वायर माइनस फोर में x स्क्वायर माइनस फोर आ रहा है। अब लिख लीजिए, अगर जो लोग लिखना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीन शॉट ले लें। कहाँ पर, ये जैसे कि अभी मैंने लिखा हुआ था, इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, उसके बाद ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। अभी रुकिए तो फिर से बता देते हैं आप लोग को। अब आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, जो भी यहाँ पर लिखा गया है इसको हल करके लेके आएंगे। सेम टू सेम वैसे करना है जैसे अभी आपने देखा, उसी नियम पर करना है, यानी वाई स्क्वायर माइनस फोर और वाई माइनस फोर का एलसीएम निकालना है, ए स्क्वायर माइनस नाइन। देखिए ध्यान दीजिए, ये ए है और ये नाइन है, ये ए है और ये थ्री है, जेड स्क्वायर माइनस पच्चीस और जेड माइनस पच्चीस, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन। ये आप लोगों के लिए हो सकता थोड़ा दिक्कत हो, कैसे करेंगे ना, कर लेंगे, करके दिखाएं। देखिए इसको भी समझ लीजिए, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, जल्दी से वीडियो को इसी पर रोक लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम हल करके दिखाते हैं इसका गुणनखंड करना, क्योंकि लास्ट में बिना इसके गुणनखंड के आप एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस, मान लेते हैं यहाँ पर तीन, अब उसी सवाल को तो नहीं करेंगे हम जो दिए हैं,
6x और प्लस है ये 4। देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिए, बता रहा गुणा करने पर जो है वो क्या आए, जोड़ने पर 6 आए और जोड़ गुणा करने पर 8 आए। इसको देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अगर एक है मतलब कोई गिनती नहीं है, जैसे यहाँ पर 2x² होता तो अलग नियम होता, यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो उसके लिए देखिएगा ये ऐसे लिख देते हैं जैसे भी रहता है। जो 6 है इसको ऐसी दो गिनती में तोड़िए कि जोड़े तो 6 आए और गुणा करें तो 8 आए। जल्दी बताइए, जिसे जोड़े तो 6 आए, 5 1 6, लेकिन गुणा करने 8 आना चाहिए, ये गुणा करने 5 आ रहा है, क्या करें। जैसे 3 × 2, 3 × 2 = 5 आ रहा है, लेकिन 6 आना चाहिए, 2 × 4, हाँ 2 × 4 इक्वल क्या आएगा 6 और 2 × 4 इक्वल 8, मतलब कि गुणा करने पर लास्ट वाला आए, जोड़ने पर बीच वाला आए। तो ये हम कर सकते हैं 2 × 4 किसकी जगह पर, 6 की जगह पर, x जो था वैसे रहेगा प्लस 8 जो था वो वैसे रहेगा। अब अगली लाइन में इसका अंदर में गुणा कर देंगे, x का 2 में तो 2x, 4 का x में तो 4x और ये 8, दो दो पद में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसमें x है इसमें भी x है, x कॉमन हो जाएगा, इसमें x धन 2 बचेगा, इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, x धन 2 बचेगा। जो दो जगह आता है उसको एक जगह लिख लेते हैं और जो कॉमन होता है उसको अलग लिख लेते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड जो है वो x धन 2 और x धन 8 है, समझ गए ना। ये गुणनखंड क्या होता है इसको जल्दी से वीडियो को रोक ले, इसी पे तुरंत रोक लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, फिर से चलाइएगा, कर लिए। देखिए ये गुणनखंड क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा हमने लिखा था 12, तो 12 को हम 2 × 4 = 12 ऐसे लिखे थे ना, जिस तरह से हम 12 को इस तरह लिख सकते हैं उसी तरह से हम इस समीकरण को भी इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आया। मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में 12 को तोड़ा गया है जिसको गुणा करने पर फिर ये आ जाता है, यानी इनको जोड़ा गया तो ये आया आपस में, मतलब गुणा किया गया। उसी तरह से इसको भी हमने छोटे छोटे दो पार्ट में तोड़ा और इससे छोटा इसको अब तोड़ भी नहीं सकते, ठीक। तो यही होता है गुणनखंड और LCM HCF। इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हाँ ब्रेकर ब्रेकर को यहाँ पे जोड़ना नहीं, पहला नंबर तो यहाँ पे क्वेश्चन बीच में जो है इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, आपका सवाल है तो देख लीजिए। जैसे ये आया जो था यहाँ पे लिखते हैं अगर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही आया था ना, यही आया था, 4 था, हाँ ये 4 था। क्या पूछा आपने, जैसे जोड़ना है यहाँ पर पहला नंबर तो जोड़ का चिन्ह नहीं है, जुड़ेगा नहीं, लेकिन अगर इसको आपको कहीं जोड़ना हो तो क्या करेंगे। देखिए अभी सवाल से हटके है ये, इससे कोई इसका संबंध नहीं है, अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक खोल देंगे, तो ये x प्लस 2 और प्लस ये x और प्लस 4 वैसे उतार लेंगे, अगर ये माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, लेकिन ये प्लस है तो ऐसे लिख लेंगे। अब एक समान जोड़ लीजिए, x में x जुड़ेगा 2x और 4 में 2 जुड़ जाएगा 6, इस तरह से 2x + 6 आएगा, चाहे तो इसमें 2 कॉमन ले ले, x प्लस 3 बचेगा, ये जोड़ने का उत्तर हो गया, समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए मित्रों आपकी ये क्लास आज यहीं पर समाप्त करने की दीजिए इजाजत, उसके पहले अगर आप इस क्लास को हर दिन देखना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल क्लास थी सिर्फ ज्वाइनिंग वालों के लिए, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है, बहुत से ऐसे भी मित्रगण देख रहे हैं जिन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह की उनको और भी क्लास मिले तो कृपया आज ही क्लास ज्वाइन कर लें, बस आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख कर भेजना है व्हाट्सएप पर, आपको प्रोसेस बताया जाएगा जो कि बहुत ही आसान है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन उठता है क्लास ज्वाइनिंग से संबंधित तो आप हमारी टीम के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई ना कोई कॉल रिसीव करेगा, जो भी करेगा आपको तरीका बताएगा।
इसके अलावा पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल और कंप्लीट वीडियो कोर्स और अन्य प्रकार की सहायता के लिए विजिट करें पीवीआर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट pvrstudy.com, या फिर अगर कोई सवाल है तो आप उसे हमें ईमेल कर सकते हैं pvrstudy@gmail.com पर। और हाँ, एक नया नया मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, बहुत से लोग करते हैं, है ना, तो उसके लिए आपके पास एक विशेष तोहफा आने वाला है। वो क्या है सरप्राइज, कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आप जैसे विश्व की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट अमेजन जिसे बोलते हैं ना, अमेजन, तो अमेजन से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बुक करते हैं, मतलब कि उस पेज के माध्यम से जो कि फेसबुक पर चलता है पीवीआर स्टडी का पेज, वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा और प्लस क्लास ज्वाइनिंग में भी आपका काफी हेल्प होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना आप कहीं से भी चेक किए रहेंगे, एक भी पैसा आपको ज्यादा नहीं देना होगा। ठीक है ना, उसके लिए आपको बस वेबसाइट पे उस पर विजिट करना होगा। और अगर कोई और सहायता चाहिए आपको तो आप यहाँ नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके घर तक प्रोडक्ट वैसे ही पहुंचेगा जैसे आप लोग पहले बुक करते थे, बस उसमें आपको क्या करना होगा, इस दिए गए जो भी उसमें लिंक है उस पेज से आपको बुक करना होगा। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने आऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास का शेड्यूल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर ये क्लास जो है नए शेड्यूल पर चल रही है और अपडेट नहीं किया गया तो जल्दी उसे अपडेट कर दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, आपकी क्लास एक एक घंटे, दो दो घंटे की होगी और तीन तीन घंटे की भी एक एक क्लास होती है। बिल्कुल हैरान मत होइएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई सेकंड सेमेस्टर की क्लास नहीं मिल पा रही है, जिसका कारण ये है कि लगभग में ये कोर्स पहले हो चुका है और ये कोर्स बिखरा हुआ है चैनल पर, उसको समेटा जा रहा है, सिस्टम वाइज किया जा रहा है, जिसमें काफी टाइम लग रहा है, थंबनेल नहीं लगा है, हेडिंग नहीं अपडेट किया गया है। ये सब हमारे ऑपरेटर साहब की महान कृपा है जो कि इतनी लापरवाही करते हैं। ठीक है, तो वो सब सिस्टम हो रहा है, जल्दी ही आपका कोर्स इकट्ठा करके आपको दे दिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन किए हैं वो इकट्ठा देख पाएंगे घर बैठे कभी भी 24 घंटे। अगर आप भी ज्वाइन करते हैं क्लास तो आपको कहीं कुछ नहीं करना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, आपको इसी पे सारे लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लेंगे, प्लस पीडीएफ फाइल भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज, जो भी सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी। ये जान लीजिए कि आप लोगों के सिवा कोई सपने नहीं हमारे, बस और आगे कुछ नहीं कहना। ठीक है ना, 24 घंटे आप देखते होंगे, रात्रि में 2 बजे भी क्लास हो जाती है आपकी, बस दिमाग के ऊपर है। अगर क्लास जिस दिन पूरी नहीं हुई होती है, आप देख सकते हैं कल रात में 1:45 से 2:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव थी, है ना, रात में, जो कि एक या दो लोग जुड़े थे, बाकी सब सो रहे थे, फिर भी क्लास तो चलना है तो चलना है, कोई देखे या ना देखे। जिस तरह से आप देखते होंगे सूर्य हर दिन उगता है, चाहे कोई अपने चारपाई पे सो रहा है या उठा हुआ है, लेकिन वो उगता जरूर है, उसी तरह से आपकी क्लास चलती है, चाहे आप सोए या जागे, देखें या ना देखें। ठीक है ना, तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, इस महत्वपूर्ण जानकारी को उनको भी पहुंचाइएगा। मैं राजकुमार दुबंसी फिर से मिलूंगा आपके साथ एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जिन लोगों की शिकायत है वो सुनी जाएगी। जो लोग क्लास ज्वाइन किए उनकी काफी कंप्लेन आई थी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, हड़कंप मचा दी थी कि भाई डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बहुत परेशान हैं, उनका पेपर है जून में और उनका कोर्स नहीं पूरा हुआ है। तो बिल्कुल उनका कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद जय भारत। इस क्लास को लाइक करके जाइएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा।